हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कढ़ाई वाले गले को शेप देने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास शर्ट कटी होती है, हम किसी भी तरह का कोई भी गला बना सकते हैं। लेकिन अगर अब ऑप्शन में आ गया है कि आपने यही गला बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप होता है, लेकिन आपको मैं इजी वे में बताऊंगी ये कैसे बनेगा। आपने यहाँ से कढ़ाई का सेंटर ले लेना है और ऊपर से टॉप पे भी सेंटर ले लेना है। आगे के पीछे के पल्ले देखने हैं कि आपके बराबर हैं कि नहीं। और आपने बुकरम लेनी है। जो बुकरम है ना आपकी, वो आपने 5.5 इंच तो आपका तकरीबन गला तैयार रहेगा। और उसके बाद आपकी ये देखो, इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच गले की चौड़ाई है। 6 इंच तो आपका गला अंदर रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए पट्टी को, पट्टी डालने के लिए। तो आपने ऐसा करना है कि आपने ये बुकरम ऐसे रख लेनी है मशीन के बिल्कुल सामने, और ये वाला गला बिल्कुल आपने बुकरम के ऊपर रख लेना है ऐसे। ये चीज़ें बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, जैसे कि ये कढ़ाई का जो साइन है ना, बिल्कुल गले के ऊपर और बिल्कुल ये कोना और ये कोना बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब आपने सुई से धागा हटा देना है, सुई पे धागा नहीं होना चाहिए। फिर आपको शेप के मुताबिक, आपने जैसी भी शेप है, कोई भी शेप हो, गला बहुत अच्छा और बहुत ईजी वे से बनेगा, आपने मशीन चला दी। ये जो गले की शेप है वो आपकी बुकरम पे आ गई है, ये देखिए, ये बिल्कुल जो शेप थी गले की वो आपकी बुकरम पे आ गई है। तो आपने इसको ऐसे शेप देके काट लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग से काटिए कि आपको गला बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये जो आपके गले की शेप है बिल्कुल वही शेप है जो आपके पास कढ़ाई में है, ये बिल्कुल उससे मैच कर रही है। और आपने अब ये जो है आपका कपड़ा लेना है, आपने प्लेन प्लेन कपड़ा आपको ना स्क्वायर में चाहिए, जिससे आपने यहाँ पे 1 इंच छोड़ के आपने कपड़ा लगा लेना है बुकरम को। और यहाँ से आपके गले की जो चौड़ाई थी वो 6 इंच थी, तो आपने 6 इंच पे इसको साइन कर लेना। और जो लास्ट जो सेकंड पट्टी है गले की, उसको 6 इंच पे ही रख के आपने सिलाई लगा दी। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए। अगर तो आपका हाथ चल रहा है, सेट आ जाएगा तो ठीक है। अगर आपका हाथ सेट नहीं आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको पिनअप कर लेना है कि ये गला टेढ़ा ना जाए। पिन हटा दीजिए। आप इसको 1 इंच छोड़ के, आधा इंच छोड़ के चाहे, इसके बिल्कुल अंदर फोल्ड करना है ये वाला कपड़ा। यह इस कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड कर देना अंदर की तरफ। अब आपने इस गले का बिल्कुल सेंटर करना है, ये बिल्कुल आपने इसको ऐसे राउंड में रख लेना। और ये सेंटर हो गया इसको गले का, यहाँ से भी आपने सेंटर लेना है, क्योंकि आपने नीचे भी सेंटर पे मिलाना है। अब आप इस गले को लीजिए, इस गले को इस गले के साथ आपने रख लेना है, यहाँ मिलाइए आप। ये हल्का सा बड़ा हो रहा है, तो आप इसको शेप दे दीजिए। आप इसको रखिए और सेंटर के साथ सेंटर में ला लो और एक सीधी सिलाई लगा लो। अब इस सेंटर से आपने इस सेंटर तक सिलाई लगानी है। ये जो लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर आएगा आपका ये वाला सेंटर का पार्ट। अब
अब आपने जो सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने बिल्कुल सावधानी से सिलाई लगानी है कि बुकरम के ऊपर ना चले, नहीं तो आपको गला फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ये हाफ की होगी स्टिचिंग, इस साइड रहती है अभी, इस साइड से आपने यहाँ से बराबर चलना है। ये आपके गले की सिलाई हो गई है, आपने अब यहाँ पे हाफ इंच छोड़ के इसको काट लेना है सारे गले को। और ये ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे राउंड आता है वहाँ पे आपने कट के निशान लगाने हैं, क्योंकि ये फोल्ड होने में फिर झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब आप इसको ऐसे करके सॉफ्ट हाथों से करके फोल्ड कर दीजिए सारे गले को। फिर आपने क्या करना है कि इसको ऐसे रख के एक कच्ची सिलाई लगानी है मोटे बखिए से, ले लीजिए आपका गला बनके तैयार है। और बहुत ही आसान तरीके से, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।